करते हैं मध्य प्रदेश की। यहां अशोकनगर से एक बेहद हैरान करने वाली वारदात सामने आई। सरेआम लड़की को घर से अगवा करने की साजिश हुई, हालांकि साजिश नाकाम हुई। अब जो लोग अगवा करने गए थे उनके हाथ में तलवार थी, लाठी और रॉड थी, जिन्होंने परिवार पर इन्हीं हथियारों से हमला कर दिया। जिन लोगों ने हमला किया उनके नाम जानिए। शाहरुख, समीर, कालू, तौफिक, दाऊद, ये वो पांच नाम हैं जो लड़की को अगवा करने गए थे, तलवार के दम पर, लाठी डंडों के दम पर अगवा करने के लिए गए थे। किडनैप का विरोध जब पिता और भाई ने किया तो उन पर हमला कर दिया गया। हालांकि बाद में जब भीड़ इकट्ठा हुई तो लड़की को छोड़कर ये बदमाश भाग निकले। पुलिस ने आईपीसी की धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज किया है और आगे कार्रवाई की बात कही जा रही है। ये तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। वो मेरी एक सिस्टर है, उसको चिढ़ता रहता है, उससे बोलता है मेरे पास वीडियो मेरे साथ शादी कर, और अपन ने उसकी शादी पक्की कर दी है, तो बोलता है शादी करूँगा, नहीं करवा रहे थे मैं तुम्हें मारूंगा कहीं, तो पापा निकल रहे थे, पापा में उसने स्टील पाइप था, उसने पापा को मारा और मेरे को मारा कहीं। शादी कौन है, कौन है वो? कालू खान। और कौन कौन थे? शाहरुख खान, समीर खान, तौफिक और दाऊ। कहाँ? घर के पास में ही रहते थे? हाँ, घर के थोड़े दूर रहते। अब सोचिए घर में भी लोग सुरक्षित नहीं है, घर के अंदर भी कुछ लोग घुसकर अगवा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आपको बिंदुवार बताता हूं कि मध्य प्रदेश के अशोकनगर में ये पूरी वारदात हुई कैसे, एक एक पॉइंटर वाइज आप समझिए। दरअसल 22 साल की लड़की है जिसे किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे ये पांच युवक। तलवार, लाठी, रॉड, ये तमाम चीजें जिससे जानलेवा हमला किया जा सकता है ये वो लेकर पहुंचे थे और परिवार पर इन्होंने हमला भी किया था। हालांकि वो लड़की को अगवा नहीं कर पाए, घर से लड़की को खींचकर ले जाने की पुरजोर कोशिश उन्होंने की। वो कोशिश कैसे कर रहे हैं वो तस्वीर आपके साथ चल रही है। बदमाशों ने लड़की के पिता और भाई के हाथ पैर तोड़ दिए, इतना हमला किया कि उनके हाथ पैर टूट गए। शाहरुख, कालू, समीर खान, तौफिक और दाऊद, ये वो पांच नाम हैं जिन पर ये गंभीर आरोप लग रहे हैं। तलवार का डर दिखाकर पूरे मोहल्ले में इन्होंने डर फैलाने की कोशिश की। हालांकि मोहल्ले के लोग जब इकट्ठा हो गए तो वो लड़की छोड़कर भाग निकले, जो सबसे राहत की बात है। अब पुलिस इन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये जो पूरा घटनाक्रम अशोकनगर से सामने आया ये बहुत सारे सवाल खड़े कर देता है कानून व्यवस्था को लेकर। फिलहाल पुलिस कैसे कार्रवाई कर रही है, ज्यादा जानकारी के साथ मकरंद काले हमारे साथ जुड़ गए। मकरंद, ये जो घटना है ये सवाल पूछने पर मजबूर कर देती है कि क्या अब घर में भी लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे क्या? क्या ये असामाजिक तत्व घर में घुसकर भी लोगों पर हमला करेंगे क्या? पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है इस तस्वीर के सामने आने के बाद? देखिए, मोहल्ले वालों ने इस लड़की को तो बचा लिया, लेकिन इस तरह के जो हौसले हैं बदमाशों के या फिर इस तरह के लोगों के, वो लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। और पिछले कुछ समय में लगातार इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं कि कानून व्यवस्था काफी लचर हो गई है। इस घटना की बात करें तो अशोकनगर का इरामपुरा इलाका है और यहां पर ये जो पीड़ित लड़की है इसकी उम्र 22 साल बताई जा रही है, इसकी शादी कहीं और तय हो गई थी। तो जो पास रहने वाले बदमाश है जो लगातार इस लड़की को पहले भी परेशान कर रहे थे, उन्होंने घर पर धावा बोल दिया। तस्वीरें बता रही हैं किस तरह से हाथ में नंगी तलवारें लेकर, लाठी डंडे लेकर वो घर में घुसे और लड़की को जबरन अगवा करने की कोशिश की गई। अगवा करने में वो कामयाब हो ही गए थे, लेकिन भीड़ इकट्ठा हो गई इसीलिए वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। अभी फिलहाल पुलिस ने FIR तो दर्ज कर ली है, लेकिन उसमें भी काफी समय लगा दिया और उसके बाद कार्रवाई की बात तो पुलिस कह रही है, लेकिन कुछ आरोपियों को राउंडअप भी किया गया है, लेकिन अधिकारी कह रहे हैं कि जब ठोस कार्रवाई हो जाएगी उसके बाद आधिकारिक रूप से जानकारी दी जाएगी। अभी फिलहाल इलाके में दहशत है, क्योंकि इस तरह से अगर पांच छह लोग आते हैं तलवार लेकर हाथ में तो कोई भी उनसे भिड़ने की हिम्मत अमूमन नहीं करेगा, और साथ ही साथ अगर कानून व्यवस्था का डर नहीं होगा तो इस तरह बदमाशों के हौसले बुलंद होते रहेंगे। ये कोई इकलौती घटना नहीं है, लगातार प्रशासन के अमले पर भी हमले की कुछ घटनाएं हमने देखी हैं। रेत माफिया, पत्थर माफिया किस तरह से हौसले बुलंद करके मध्य प्रदेश में चल रहा है ये हम देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों पर हमले और इस तरह से जब अगवा करने के प्रयास, और लेकिन इसमें मकरंद एक बात तो साफ हो जाती है कि बदमाश कुछ भी कर गुजरने की मंशा से गए थे, नहीं तो धारदार हथियार उनके पास नहीं होता। सिर्फ डराने की नियत से गए होते तो शायद दूसरे हथियार होते, लेकिन अगर नंगी तलवार लेकर वो पहुंच रहे हैं तो उनके इंटेंशन को साफ समझा जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका, आगे भी आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। इधर मध्य प्रदेश के अशोकनगर में लड़की के साथ जो वारदात हुई इस पर कांग्रेस ने मोहन यादव की सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने इस घटना की तुलना जंगलराज से की, सवाल किया कि आखिर मध्य प्रदेश में ये हो क्या रहा है, ये अजब मध्य प्रदेश के अपराध की गजब तस्वीर। घर में घुसकर लड़की को अगवा करने की कोशिश की गई, तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कैसे सवाल उठाए वो हम आपको ट्वीट भी दिखा रहे हैं।